हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉल फैमिली ब्लॉग। सब कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे। दुनिया की हर आसाइशों से बाइसें नवाजे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफाजत में रखे। भाई सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को भेज दिया अकेडमी स्कूल। तो मैंने कहा चले ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ लेट जाते हैं यहाँ पर। मेरे बच्चों का 7.5 साल लगता है स्कूल, और मेरे बच्चे गए आधा घंटा हो गया उनको गए, क्योंकि अब 7:47 हो गए। देखें सुबह सुबह व्यू गाइस, कोई टोटका ही बता देंगे। देखें कितने बाल, देखें हाथ ही लगाओ तो इतने उतरते हैं बाल। इतना हेयर फॉल हुआ है, ऑयल भी नहीं लगाती मैं ना बिल्कुल भी। ये देखें सारा मैं ना चीज़ें समेट रही थी, फिर मैं थोड़ा सा लेटूंगी, एक घंटा मैं लेट जाऊंगी। मैं बाहर इसलिए आस्ता आस्ता बोलती हूँ कि लोग सुन रहे होते हैं कि ये क्या कर रही, किसी फ़ोन पे ना दिखा रही है कैमरा ऑन करके। किसी के थोड़ी पता मैं व्लॉगिंग है। शमामा के मैंने कपड़े रात सब के कपड़े प्रेस किए थे, परसों धोए थे ना। तो ये देखें भी रस्सियों पर दुपट्टे शपट्टे पड़े हुए मेरे। यहाँ से तो सारा क्लीन कर दिया, अंदर से भी कर दिया, यानी सिर्फ खलारे उठाए हैं, सफाइयाँ भी ठहर के करूँगी। देखें शमामा सो रही है इधर। मैंने कहा थोड़ी देर लेटती हूँ, बाकी सब कुछ समेट दिया और फिर खैर से घंटे के बाद उठूँगी और फिर सफाइयाँ करूँगी। तो मैंने कहा आज आपसे सुबह से ही अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो गाइस अपनी दुआओं में हमें भी याद रखा करें कि अल्लाह पाक हम सब की परेशानियां ख़त्म करे, ज़िंदगियों में सुख चैन दे, सुकून दे। अल्लाह पाक जो बीमार है उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हमें भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक खैर का दिन हो, बस खैर आफियत की रात हो। तो ये देखें क्या लंडा बाजार लगता ना, ये खलारे खलारे सुबह सुबह बोला नहीं जाता सही। यहाँ भी इंशाल्लाह हम जल्दी चेंज करेंगे घर, क्योंकि यहाँ पर अब दिल ही नहीं लगता। आवाज़ आ रही यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, यानी आवाज़ आ रही होती है हर वक्त। बंद घर में रह के ना थोड़ा सा आसमान तो नज़र आना चाहिए। यहाँ आसमान देखना तो वो बाहर जाओ, बाहर जाके कितना एक खड़ा हुआ जाता। चले लाइटें कर दी हैं मैंने बंद, अब हम करेंगे अंदर की भी लाइट बंद। और सूरत रहमान पहले ऑन करते हैं, एलसीडी को ऑन करते हैं और सूरत रहमान लगाते हैं। वो सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। वो देखें 8 बज गए, मैं चीज़ें वगैरह समेट रही थी खिला रहे। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में गाइस। बच्चे आ गए थे खैर से अकेडमी, कहती रहती स्कूल से, और अब ये जुम्मा पढ़ने जाने लगे हैं जल्दी जल्दी, बेचारे नाश्ता कर रहे हैं। तो फास सलाम दुआ ले लेता बंदा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शमामा आपने नहीं करना, शामा शमामा जाना बाहर, शमामा जाना इधर तो देखो, शाम नहीं करना मेरी बेटी ने। ये खा रहे हैं चने और क्या है फास, ये वही वो आपका यूनिफॉर्म कह रही हूँ, आपके कपड़ों पे गिर जाना है। इधर करो मामा गिरा रही मेरे हाथ पे। चलो भाई नाश्ता करो तुम लोग, मैं ना अभी करती हूँ आके। मैं ज़रा वहाँ से नलका बंद कर रहा हूँ, मैं ना ये सफाइयाँ कर रही थी, हो गई हैं सफाइयाँ सारी। तो लॉन्ड्री रह गई थी, ये भी हो गई, पानी बंद करते हैं। ओहो मेरा ना प्लांट मेरे ही हाथों जाएगा, यहाँ तक आ गया ये, बस मुझे इसे संभालना ही नहीं आता तो वो फिर ना सारा ख़राब हो जाता, चल जाता। अब चारपाई शारपाई बिछाती हूँ। बच्चों के पास ना बैठो इतना लड़ते हैं ना, पता नहीं कैसी इनकी आदत हो गई है। पहले तो ये ऐसे नहीं होते थे, अब इतने ज़्यादा ना आपस में झगड़ा करने लग गए। बाहर लोगों के रंग अपना लिए, घर में रहते थे जब तक बिल्कुल ठीक थे, ज़रा सी इन्होंने यारियाँ दोस्तियाँ लगाई हैं, पता नहीं कैसी ज़बान इस्तेमाल करने लग गए एक दूसरे के साथ।
हर वक्त एक दूसरे से लड़ते हैं। इधर वाइपर लगाती हूँ मैं, फिर हम नाश्ता करते हैं मुँह धोकर। मैं सुबह का ना यानी रात का मुँह भी नहीं धोया, उठते के साफ सफाइयाँ ना नाश्ता करती सीधा इधर चूल्हा जलाती हूँ दूध छूट ऊपर गर्म करने के। वही दूध से याद आया, मैं तो दूध बॉयल करने के लिए रख के आई हूँ, चूल्हा भी फुल खोल के आई। क्या हुआ? ये देखें टाइम पे आ गई हूँ, ये देखें अल्लाह ताला ने मुझे याद करा दिया, थैंक यू अल्लाह पाक। आज देखो अभी क्या हांडी बनती है, इसको हल्का करके जाते हैं, ये ना हो सारा गिरा हो। ये देखें नान गरम किया, उसका तेल इनको चाहिए तेल ज़रा। ये देखो ना ये फिश लेके आए हैं और वो हुई हिल गई, पानी इसका जा रहा है। कौन सा चैनल है आपका? मम्मा वो ब्लॉग बनाती है, आप ही का तो बनता, आप ही तो होती है ब्लॉग में। गाइस देखें कितनी कमज़ोर सी है, हम बचपन में ना अंगूठे पे ऐसा मुंह बनाते होते थे और इधर लिखते थे अकल और ये तुम्हारी शक्ल। तो ये देखो मुझे क्या पता था मैं अंगूठे पे बनाती थी, मेरी बेटी ऐसी हो जाएगी इतनी कमज़ोर। हाँ दूर हो क्या बात करा करो ना। आपका क्या नाम है ब्लॉग का? वो तो मेरा अच्छा है, वो आपका, ये आपका चैनल है? हाँ ये शमामा जैनब का चैनल है, क्योंकि टोटली शमामा जैनब मेरे साथ इस चैनल पे काम करती है ना, सारा काम धाम ही शमामा का होता। चोरियाँ जैसे कि ये देखें बैगों में से चोरियाँ करना और अपने बैग को भरना चोरी करके, ये शमामा का तो सारा काम है। चलो बच्चों जल्दी करो, जुम्मे का टाइम हो गया। ये देखें गाइस कितना प्यारा लग रहा है घर, साफ सुथरा, कितना क्लीन अच्छा लगता है ना घर साफ सुथरा। जब ये घर साफ हो जाता ना फिर उसके बाद मुझे नाश्ता सुकून से करने, सुकून से भी नहीं करती, फिर मैं कहती हाय मैं तो हांडी पकानी, हांडी पका लूँ, हांडी पका लूँ। तो अब हांडी भी पकाने का वो बस आधा मुँह में आधा बाहर। इस टाइम तो वैसे मेरी भूख ख़त्म हुई थी, हालांकि मैं सुबह की उठी सनी सुबह ही नाश्ता ला देते हैं, फिर भी मैं करती नहीं, मैं कहती चलो अकेली कैसे करूँ, बच्चे आएंगे तो कर लेंगे, सनी तो ला के खुद ही करके चले जाते हैं, मैं घंटा सो जाती हूँ। डुलाइंग भी लाई थी आप? कलश आके चलो मैं ना आओ नाश्ता करो। गाइस मैं ना बच्चों को छोड़कर आई हूँ अभी, और मैंने कहा फहद ने आज की है छुट्टी, जिसकी वजह से ना अभी हम बच्चों को छोड़कर आए हैं। मैं ऊपर चूल्हा जला के ना हांडी पकाने रख के गई हूँ। ये देखें फहद साइकिलिंग कर रहा, मेरा हाथ हिल रहा है ना, मैं चल रही हूँ ना इसलिए। किधर अब आ जाओ मेरे साथ फहद, आ जाओ ऊपर चले अब फहद। इसे मैं कह रही हूँ ऊपर आ जाओ, गली में नहीं खेलना वगैरह, अंधेरी चल रही है, बारिश आ रही है, आ जाओ ध्यान से गिरना जाना। चलो मैं लॉक खोलूँ। शमामा आज इतनी क्यूट लग रही थी, वीडियो बनाना ही भूल गई मैं, क्योंकि सड़क पे ना बच्चों को यानी कैरी करना होता है तो मैं वीडियो कैसे बनाती। ऊपर मैं ना दाल पकती भी छोड़ गई इसलिए मैं जल्दी जल्दी आई हूँ, कहीं जल्दी ना जाए। हाँ मैं उनको झूले भी दे रही थी। बेटा ये कोई सेंस है? इस तरह कौन खाता है? जंगली जाहिर आप गाइस। मैंने आकर असर और नमाज़ पढ़ ली जल्दी से और यासीन शरीफ पढ़ी है और ये दाल चढ़ा गई थी मैं हल्के से चूल्हे के ऊपर, ये इसका लड़का लगा रही हूँ, दाल का लड़का तड़का लगा रही हूँ। तो ये हो जाए इसमें ज़ीरा अदरक लहसुन और वो डाला क्या वाला अदरक नहीं सॉरी लहसुन प्याज और ज़ीरा। तो ये जल्दी जल्दी से मैं कह रही हूँ कर तो मैं ना मेरी मगरिब हो गई है,
मगरिब पढ़नी है जाके। अब फिर उसके बाद मैंने ना फ्रेश होती हूँ, नहाती हूँ जाके, और मुझे आदत है गर्मी सर्दी डेली कपड़े चेंज करना और नहाना, नहीं तो मुझे सुस्ती चढ़ी रहती है। सर्दियों में भी यही हालत है, तभी तो मेरी खांसी नहीं जाती। देखे माशाल्लाह बर्तन मेरे चम चमा रहे हैं। एक मरतबा ये मेरे ऊपर गिर गया था, लेकिन मैंने बचा लिया, मैंने बर्तन गिरने नहीं दिया, अपना गोट तुड़वा लिया था मैंने, लेकिन ना ये मैंने बचाया, फिर सनी ने इसे सही करके लगाया। तड़का हो जाए तो मैं कह रही हूँ जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, ये अजान का थोड़ा सा टाइम होता है। बच्चे चले गए थे खैर से ना पढ़ने, आपको मैंने बताया था मैं उनको छोड़ कर आई थी, और फाहद वाशरूम में है नहाने लगा, या आएगा तो मैं नमाज़ पढ़ के चली जाऊँगी, फिर मैं नहाऊँगी जाके, फिर सुकून से थोड़ी देर। मेरा वैसे ना मूड बन रहा है कि मैं ना ज़रदा भूल गई हूँ बनाना, तो दोबारा से ना मैं उसको ट्राई करूँ। थोड़े से चावल पड़े हुए, ये मैंने ना आदमी से ना मंगाया था ये मूंग मसूर की दाल, और मैंने ना उसके ऊपर टोटल नीचे लिखा हुआ था, और टोटल तो वो भाई समझा कि मैंने ऊपर टोटा लिखा हुआ, उसने मुझे टोटा चावल दे दिए, यानी 450 लेके गया था, वो सारे पैसे लग गए उधर। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं कहा फाहद मैंने तो चावलों का कहा नहीं था, कहता पता नहीं मामा उसे चिट देख के दिए, मैं कहा ओहो वो तो मैंने टोटल लिखा था, भाई लगता मुझसे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, नहीं लिखा पढ़ा था, तो उसने टोटल को टोटा समझा। वो कह रहा होगा बुढ़ी शहर ने ना पढ़ी लिखी नहीं गई, उन्हें टोटे नू टोटल लिख दिया। ये देखें हो गया, अब इसको बस काली नहीं करनी बस। मेरा ना गाइस इतने दिल से दिल कर रहा कड़ी खाने को, लेकिन ना मेरी तबीयत ठीक हो जाए ना, ज़रा थकान सी रहने लग गई है मुझे बहुत ज़्यादा, तो वो फिर मैं ज़रा ना बनाऊँगी, अभी तो नहीं मैं बना रही क्योंकि मुझे थकावट थी और ब्लड प्रेशर हाई बहुत रहने लगा हुआ, कुछ खाती भी नहीं सारा दिन, बस सुबह का नाश्ता होता है, बस चाय का एक मग पीती हूँ, शाम की चाय भी मैंने बंद कर दिया, फिर भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अब इसको हम दम पे लगा देते हैं, हल्का सा बर्तन आके धोती हूँ, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, तो फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। वो देखें फाहद बाथरूम में खड़ा हुआ, आते ही सारे खलारे समेटे थे मैंने, खलारे समेट कर तो मैंने ना ये देखें फाहद टीवी लगा ले, इतनी बोरियत हो रही है। देखिए सर्दियाँ अभी आई नहीं, शाम ऐसी होने लग गई जैसे उदासी नहीं होती, इधर मैं यासीन पढ़ रही थी बैठ कर, सीधा करते हैं, और ये मेरा मसल्ला भी छा हुआ, अब हम पढ़ते हैं असर की अज़ान। बेटा किचन का लाइट बंद करो, मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, टीवी की आवाज़ कम रखना। वेलकम गाइस, गाइस ये देखा मैंने ना ज़रदा बनाने की यही तजर्बा किया, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बना, ये देखें इधर देखें, बच्चों ने समोसे वगैरह खाए, और ये मैं मलाई जमा करी थी, इसका मैं घी बनाने लगी हूँ, तो बहुत टेस्टी बना, आ जाएं खा लें। गाइस मैं तो ऐसा खाती हूँ दूध डाल के, ये देखो मुझे ऐसे नहीं पसंद, मुझे फीके दूध के साथ बहुत पसंद है, अल्लाह मियाँ ये घी निकला है, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया, नहीं वैसे ट्राई किए, ये मैं हमसायों के घर भेजने लगी हूँ। खा लें बाबू आओ, कितने बर्तन इकट्ठे हो गए, सब धोती हूँ अभी मैं, और सारे अंदर फिल्म इंजॉय कर रहे हैं। मैं ये देखें कपड़े तय करके रख रही थी, प्रेस वाले निकाले शमामा का फ्रॉक धोकर, ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। फाहद आना कि मैं चले जाऊँ, सारे फिल्म देख रहे हैं, मैं जा रही हूँ खुद ही।
गाइस मैं नीचे देख के आती हूँ फिर मिलती हूँ। देखिए मैं इसका घ्यो कढ़न रही हूँ मलाई के बीच में से, मुझे तो आता नहीं है, मैंने तो यूँ ही मलाई मेल्ट कर कर फ्रिज से निकाल कर तो मैंने ना इसे इसी तरह तार दिया चूल्हे के ऊपर, तो अब ये इसी तरह बन जाएगी। मैं कह रही हूँ मैं बर्तन धो लूँ किसी तरह, इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हुए हैं पानी नहीं आ रहा। मतलब पानी भर गया इसके अंदर, मैं पानी निकाल लूँ पता नहीं क्या भावें कीड़े मकोड़े मेरे हाथ में आए हैं। ये देखिए मैंने स्टील की पतीली में रखा था वो जल गया, अब जली भी स्मेल आएगी, इतनी सारी मलाई होती है निकलता कुछ भी नहीं है बीच में से। अब पता नहीं इसके अंदर स्मेल आ गई तो कोई खाएगा भी नहीं जला हुआ, सारे अंदर बैठे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ मैं फिर ये तो आस्था कर देती हूँ, चूल्हा खुद ही बनता जाएगा मक्खन, और मैं ना जाके बच्चों के कपड़े प्रेस कर लूँ। कहाँ जा रही हो आप, अकेले जा रही हो क्यों? मैंने कहा मेरे साथ चलो। तो गाइस मैंने ना वो ऑयल फैरश मामा अभी नहीं, आओ आओ दोनों चले आओ। गाइस मैंने यूनिफॉर्म बच्चों के वो देखे चेयर पे प्रेस श्रेस करके कपड़े सारे रखे हैं। क्या बस तो ये देखें मैंने ना घी थोड़ा सा निकला, ये इसका वो खोया सा नहीं होता, तो मैं ना इतना ज़्यादा ये देखें सारा क्लीन कर लिया पतीलियाँ, इतने सारे बर्तन सने, इतना सा वो ऑयल घी निकला और इतना कुछ, चलो खैर सारा कुछ कर दिया था मैंने साफ़ सफाई। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ऑयल जो बनाया, ऑयल नहीं घी बनाया थोड़ा सा, वो ना मैं थक जाती हूँ ना फिर मुझसे सही बोला नहीं जाता। ये देखें ये देखें इधर करके दिखाती हूँ, नज़र नहीं आ रहा से जलाना, ज़रा लाइट जलाओ, लाइट जला दो ध्यान से। ये देखो इसमें छोटे से बड़े में इतना सा और घी निकला, नज़र ही नहीं आ रहा कलर इसका, तो ये बस निकला मैंने फ्रीजर में रख दिया। नहीं मिलना कितने बर्तन इतनी मेहनत किया मैंने इसके पीछे ना, मैं तो अब मैं ये देखा खिला रहा कितने बड़े में बच्चों के शूज़ वगैरह। चलाओ उस मामा नीचे से बंद करके आए दरवाज़ा, गेट बंद करने जा रही हूँ मैं शमामा के साथ रुचि पैर इतनी नहीं, अब मैं जा अब नहीं आना जूती पहनो ना, और ये मोबाइल दोनों रखे ऊपर। तो ये देखें गाइस ये उतर रही है, इतना अंधेरा हो रहा है भूत लग रही है ना शमामा रामा, ये देखो सनी की बाइक खड़ी है बच्चों की साइकिल, बाहर देखते हैं ये देखो बाहर गली का मंजर, ये देखो मामा देख सारा हमारे ही है, खैर जब मैं उधर करती हूँ हमारे पता नहीं क्यों दरवाजे से आगे मामा तो नहीं इधर। ये देखें गाइस उधर ही हो गली में, मामा गली के अंदर ना खड़ी होकर मोबाइल देख रही है, रात का 1:30 बज रहा है और हम नीचे लॉक लगा नहीं आए हैं और मामा लगी हुई है मज़े से। इसको डर लग रहा था कि मामा चलो ऊपर चलो, नहीं वो डर नहीं लग रहा, क्या लग रहा चलो आओ फिर चले ऊपर लॉक लगाए आगे।
हाय कितने टोने आवाजें निकाल रही है, ये बंद करो इसे पागल। तो वहां वो देखो वहां दे रहा, वहां से भूतों ने हमारी टांग पकड़ी हो। चलो मामा ऊपर आके उतारा करो, जूती नीचे खलारे डाल दे तू, उठा उठा के थक दे तू। ये देखा गाइस कितना रैक भरा हुआ और खाली कर दिया नोरे जैसे, सारा जूता के इधर ले आया उठा के, क्या करें पागल किया उन्होंने मुझे। चलो पाँव धो के लेटना, चलो भाई अब चलते हैं सोने और आपसे लेते हैं इजाजत। आई सहा लेकर जाती हूँ अंदर, आए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खैर का दिन और खैर आफियत की रात हो, अल्लाह ताला हर जगह हर सब जगह अमन अमान हो, खुशियाँ खुशियाँ हो, खैर का दिन और खैर आफियत की रात हो। और अपनी दुआओं में बस याद रखें, और प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें कि हम कैसी वीडियो बनाते हैं। ज़ाहिर है डेली रूटीन शेयर करनी है, तो हमारी तो यही बोर सी रूटीन है, डेली रूटीन यही होती है, बोरियत की मारी हुई। ये हम ऊपर मैं छज्जे पे खड़ी होकर दिखा रही हूँ आपको, नीचे अंधेरा हो रहा है। अभी हम लॉक लगा के आ गए, अब हम इधर से लॉक लगाते हैं। देखो कितने अच्छे भांडे लग रहे हैं ना अंधेरे में, सिंक भी चमकन दिया है, अंदर भी सब सोए हुए हैं। एक इसको देखें, इसका दिन चढ़ा हुआ है, इसके मुंह पे थप्पड़ मारूं मैं। सनी और बच्चे तो सो गए, 1:30 बज रहा है, हम भी सोते हैं। अल्लाह हाफिज़।